नमस्कार, प्रभाश्री की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कच्चे कटहल की सब्जी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं कच्चे कटहल की सब्जी। इसे बनाने के लिए हमने लिया है कटहल, हमने 250 ग्राम लिया है और इसे छिलकों को निकाल करके हमने छोटे टुकड़े में काट लिया है। दो ढंग के कटहल आते हैं, एक बड़े साइज में और एक छोटे साइज में। हमने छोटे साइज के कटहल लिए हैं, आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। प्याज एक हमने छोटे टुकड़े में काट कर रखा है। दो टमाटर हमने पीस कर प्यूरी बना कर रखा है। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, दो पिंच हींग, दो चम्मच सरसों का तेल हमने लिया है। कटहल की सब्जी सरसों के तेल में अच्छी लगती है, अगर आप किसी और तेल में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एक चौथाई चम्मच गर्म मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक तेजपत्ता। और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है। इसके ऊपर आधा तेल कढ़ाई में डाल देंगे, इसे गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम कटे हुए कटहल के टुकड़ों को डाल देंगे। तो 3 मिनट तक हल्का गुलाबी होने तक मीडियम आंच पर इस तरीके से भून लेंगे। मैंने कटहल को 3 मिनट तक भून लिया है और इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे। मैंने कटहल को निकाल लिया है और वापस कढ़ाई गैस पर रख दिया है और इसके अंदर हम बचे हुए तेल को डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे, भून लेंगे। इसके अंदर तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। इसके अंदर कटे हुए प्याज इसे भी डाल देंगे। 1 मिनट तक भून लेंगे। प्याज हमारी भून गई है और इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसके अंदर मिला देंगे। हींग और हल्दी भी इसके अंदर डालेंगे। आंच को हम धीमी रखेंगे, फिर इसके अंदर मिला देंगे। इसके अंदर धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे हल्का सा भून लेंगे और मसाला भून जाने के बाद इसके अंदर हम किचन और टमाटर प्यूरी बनाकर रखा है उसे डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे। इसे हम 1 मिनट तक भून लेंगे टमाटर को। मैंने टमाटर को भी हल्का सा भून लिया है। इसके अंदर हम कटहल को डाल देंगे, हमने भून करके रखा है, और इसे अच्छी तरीके से मसाले में मिला देंगे। एक सिंपल सी सब्जी है लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे जरूर बनाइए। इसको इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। 1 कप पानी इसके अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पे जितनी ग्रेवी आपको रखना है सब्जी के अंदर उस हिसाब से इसके अंदर पानी डालिए। और इसके अंदर हम नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और इसे कवर कर देंगे और 5
5 मिनट तक हम कटहल को पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें सब्जी को चेक करेंगे। देखिए सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक रही है। प्लीज़ चेक करते हैं कटहल पका या नहीं। अभी कटहल हमारा कच्चा है, कटहल को पकने में टाइम लगता है, तो इसे हम और 4 से 5 मिनट तक ढक देंगे और बीच में इसे हम 1 से 2 बार चला देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अपनी सब्जी को चेक करिए। देखिए सब्जी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और भी कटहल भी हमारा पक गया है। अब इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और कटी हुई धनिया डालेंगे 1 चम्मच और इसे मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद 1 मिनट तक इसे ढक देंगे, फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और हमारी कटहल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। हम गैस को बंद कर देंगे और अपनी सब्जी को सर्विंग बाउल में निकालेंगे। इसे हरी धनिया से गार्निश करेंगे और हमारी कटहल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ या पराठे के साथ खाइए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।